नान के लिए मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, आधा टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, आधा कप दही, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी। अब मैं इसका एक आटा तैयार कर दूंगी गूंद के, और पानी की मदद से मैं इसको गूंद लेती हूँ। आटा मेरा गूंद गया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए। नान बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है, मेरा तवा गर्म हो रहा है। अब मैं, मेरी लोइयां भी बन के तैयार हो गई है। अब मैं नान को बेल लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दूंगी और मैं इसको बेल लेती हूँ। मैंने नान बेल लिए, अब इसमें मैं पीछे साइड में पानी लगा देती हूँ जिससे कि ये तवे में चिपक जाए। अब मैं इसे तवे पे डाल देती हूँ। नान देखिए चारों तरफ से फूल गई है। अब मैं तवे को उल्टा करके इसे गोल गोल घुमाकर सेक लूंगी। ये देखिए मेरी नान दोनों तरफ से बिल्कुल लाल लाल सिक गई है। अब इसमें थोड़ा सा बटर या देसी घी लगा देती हूँ। इसी तरह से बाकी सारी नान मैं रेडी कर लेती। मैंने नान सभी बना लिए और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं मेरे लिए। हर नान बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है, देखिए। इसे आप शाही पनीर छोले के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ भगवान को भोग लगाने। भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर सब में सबको दूंगी। मेरे नान भी तैयार हो गए और शाही पनीर भी तैयार होगी। तो हरे कृष्णा।